नमस्कार ते सत श्री अकाल वीरो, ते आपां तुहाडे लई एक होर गाणी लै के आए हां, क्योंकि पिछली गाणी बहुत पसंद आई सी ते इस करके नवीं गाणी है। इहदे विच एक पुत्र हुंदा जिहड़ा कि देखदा पिता काफ़ी गरीब हालातों के हों, यानी कि बहुत माड़े घर के हालात होंगे, उन्होंने पढ़ाई कराना भी प्यो लई बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि वह ना पढ़ाई कराने लई खर्चे खुर्चे लई भी कितों कदी कितों कर्जा फड़दा कदी कितों कर्जा फड़दा, यानी कि उन्हूं भी पढ़ाई कराना भी मुश्किल हुंदा। पर पुत्र सोचता भी जो मैं वड्डा होवांगा भई चार पैसे आणगे तो मैं अपने पिता नूं भी अपने शहर के सब तो वधिया फाइव स्टार होटल दे विच रोटी होनी है, तो यह उहदा सपना बन जाता। बचपन तो ही वह सपना देखता, वह वड्डा हुंदा उहदा सपना अगे तो अगे वधदा जाता, वह सपना नहीं छड्डदा, वह कहिंदा भी मैं कराना जरूर है। फिर वह एक छोटी मोटी नौकरी लग जाता, पर उस नौकरी दे विच गुजारा ही बड़ी मुश्किल ना हुंदा, वड्डे होटल दे विच रोटी खाणी ते एक तरफ रही ते थोड़ा जिहा होर, यानी कि उहदा मैरिज भी हो जांदी, अगों बच्चे हो जांदे, पर उहदे दिल दी एक आस नहीं टुटदी मैं अपने पिता नूं एक फाइव स्टार होटल दे विच रोटी जरूर खवाउणी। चक्कर इदां हुंदा, उहदी तरक्की हुंदी, उहदी तनखाह आउंदी है ते उहनूं इन्ने कु पैसे बच जांदे आ वी महीने दा खर्चा करन तों बाद वी और वड्डे रेस्टोरेंट विच रोटी खा सकदा। वो अपने पिता नूं कहिंदा भई पापा अज असी जाना, असी इस होटल विच रोटी खानी है। वह कहिंदा नहीं बेटा, मैं हुण काफ़ी मेरी उम्र हो गई, कित्थे होटलां च, तू अपने वोटी अपने बच्चे ले जा। कहिंदा नहीं, मैं तुहानूं लै के जाना, क्योंकि मेरी दिली इच्छा सी, बचपन तो ही मैं सोचता सी। काफ़ी जद्दोजहद बाद प्यो राजी हो जाता, प्यो भी जाण नूं तैयार होता, होटल विच जाते ने। पिता की उम्र काफ़ी हो जाती है तो वह जो होटल बैठते हैं जो मंगाया जाता डिनर आ जाता, डिनर तो बाद जिदा ही उनका पिता रोटी खाने लई निवाले दो मूँह च पाँदा तो बाद चो चम्मच ना सब्जी खाते हुए चम्मच उनके हथों डिग जाता, क्योंकि वृद्ध अवस्था के कई बार इदा हों भी बंदे के हाथ पैर भी काफ़ी कंबदे ने। एक तो रेस्टोरेंट की चकाचौंध देख के भी पिता स्तंभ रह जाता भी एडा महंगा होटल भी किन्ने कु पैसे लग जाने ने, तुहानूं तां पता मिडल क्लास फैमिली दे विच किदां हुंदा, ते चम्मच उहदे हत्थों डिग जाता, उहदे कपड़े सारे के सारे थिंदे नाल यानी कि तेल नाल भर जाते ने, ते सारे उत्थों दे लोग उन्हां वल ही निगाह उन्हां दी टिक जाती भी आ की होया। पिता बड़ा शर्मिंदा हो जाता भी अज मेरा पुत्र मैनू एक एडे वधिया होटल च लै गया रोटी खवाण लई, पर मैं उंदी की अपनी बेइज्जती भी, यानी कि एक शर्मिंदगी अंदर हो जाती है। पुत्र उस टाइम उठता और पिता नूं कहिंदा चलो पापा, वह सोचता भी आप वापस चलने हाँ तो पुत्र मेरा मैं नाल लै चला, पर हुंदा उल्टा वह वाश बेसन च लै जांदा, उन्हां दे दाग साफ करता, फिर उन्होंने साफ करन तो बाद उन्होंने फिर होटल दे विच ओही टेबल उत्ते ले जा के अपने हत्थां नाल रोटी खवानी शुरू कर दिंदा, यानी कि अपने हत्थां नाल ही वह रोटी खवांदा हैगा वे। जिन्ने भी लोग होंगे सब दिया नज़र उन्होंने गड़ जाए भी ये हो की रहा। उस तो बाद जिद्दा ही वो होटल विच बिल पे कर लगता, बिल लेंदा ते बिल पे करके जिद्दा ही बाहर निकलता एक बुजुर्ग की उतों आवाज़ आती है, बेटा तुम यहाँ कुछ भूल रहे हो। वह कहता नहीं अंकल, मैं कुछ नहीं भूलता पाया, मैं सब कुछ अपने नाल लिया, मेरा वॉलेट मेरा हर समान है, मैं कुछ नहीं भूल चला। तो वह कहते तू इत्थे एक याद छड के चलना जिहड़ी तू भुल चलना, जिहड़ा हर प्यो दे लई एक तसली है भी इदां दे भी बच्चे हुंदे, ते हर बच्चे लई एक सिख हैगी है बई अपने माँ बाप का किदां सत्कार करना चाहीदा। ते बाकी जे साडी वीडियो चंगी लगे तां लाइक शेयर कर दिओ, तां सबसक्राइब करके जाना, घंटे का बटन जरूर दबा दिओ ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन लगे। ते मैं नवीं वीडियो तद तक लई नमस्कार ते सत श्री अकाल वीरो, ते जरूर दस्सिओ तुहानूं कहानी किदां दी लगी।